प्रश्नावली 4.1 पहला सवाल, दी गई परिस्थिति हेतु उपयुक्त पूर्णांक लिखिए। पानी 45 डिग्री गर्म है, अगर पानी गर्म है तो 45 डिग्री प्लस के 45 डिग्री होगा, अगर ठंडा है तो माइनस के 45 डिग्री होगा। एक द्रव्य शून्य से नीचे 10 डिग्री पर जमता है, शून्य से नीचे अगर आता है तो माइनस के 10 डिग्री होगा, और शून्य से ऊपर होता है तो प्लस के 10 डिग्री होगा। रीना को पुस्तक बेचने पर 300 रुपए का लाभ हुआ, लाभ होता है तो प्लस में दिखाते हैं, हानि होती है तो ऋणात्मक पूर्णांक लगता है। बैंक के खाते से 500 रुपए निकाले तो माइनस के 500, अगर जमा कराते हैं तो प्लस के 500 हो जाएंगे। निम्न संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो संख्या रेखा इस प्रकार बनेगी। यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार आगे बढ़ेंगे। इधर माइनस की संख्या आ जाएगी, -1, -2, -3, -4, -5 इस प्रकार से। तो हमें 5 को दिखाना है तो संख्या रेखा पर 5 कहाँ है ये रहा, तो इस प्रकार से हमने संख्या रेखा पर 5 को इस प्रकार दर्शा दिया। इसके बाद है माइनस के 4, तो संख्या रेखा पर इधर 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार आगे बढ़ेगी, और माइनस के 4 दिखाने हैं तो -1, -2, -3, -4, -5 इसको आगे बढ़ा सकते हैं, तो माइनस के 4 यहाँ पे, तो इस प्रकार इसको हम दर्शा देंगे। तीसरा सवाल, चिन्ह बड़ा छोटा या बराबर का प्रयोग करना है। 3 और माइनस के 5 में 3 बड़ा होता है, क्योंकि माइनस की संख्या है हमेशा छोटी होती है, और माइनस की संख्याओं में भी वे संख्याएं जो सबसे ज्यादा बड़ी दिखती है वे सबसे छोटी संख्याएं होती है। तो यहाँ पे माइनस के 2 और माइनस के 4 में माइनस के 4 सबसे छोटा होगा, क्योंकि माइनस के 2 बड़े हैं। 7 और प्लस की संख्या बड़ी होगी, 7 बड़ा होगा। 0 भी प्लस का है, माइनस के 3 है तो 0 बड़ा होगा, 0 और 3 में से 3 बड़ा है। 1 और माइनस के 50 में से प्लस की संख्या बड़ी होती है तो 1 बड़ा है। चौथा सवाल, संख्या रेखा पर -3, -4 संख्या रेखा पर -3 के दाईं ओर होती है, तो ये संख्या रेखा है, ये 0, ये -1, -2, -3, -4, तो ये है इधर है दाया भाग और इधर है बाया, तो उस -4 संख्या रेखा पर -3 के बाईं ओर स्थित है, तो ये असत्य कथन हो जाएगा, दाईं ओर नहीं है। शून्य एक ऋणात्मक संख्या है, असत्य होगा। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है, ऋणात्मक 1 सबसे बड़ा पूर्णांक है। 0 संख्या रेखा पर -1 व 1 के मध्य स्थित होता है तो सत्य है, ये -1 और ये 1, तो 0 -1 और 1 के बीच स्थित होगा। नीचे दिए गए युग्मों के पूर्णांकों के बीच सभी पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में अर्थात छोटे से बड़े के क्रम में लिखना है। तो 0 और -4 में से सबसे छोटा पूर्णांक है -4, फिर इससे माइनस का 3 बड़ा है, इससे बड़ा माइनस का 2, इससे बड़ा माइनस का 1 और 0, तो 0 4 के बीच का था, तो ये इस बढ़ते क्रम में इस पर हम इसको लिख सकते हैं। -3 और -5, तो -5 सबसे छोटा पूर्णांक है, इससे बड़ा -4, इससे बड़ा -3 है। -2 व +2 में तो -2, -1, 0 और 1 और 2 इस प्रकार पढ़ेंगे। छठे सवाल में आरोही अवरोही क्रम में लिखना है। पहला सवाल -7, -5, -3 और -3, तो आरोही क्रम अर्थात छोटे से बड़े के क्रम में, तो सबसे छोटी संख्या इसमें -7 है, फिर बड़ी है -3, फिर से बड़ी है 3 और फिर 5। अवरोही क्रम में सॉल्व करेगा 5, 3, -3, -7 बड़े से छोटे क्रम में। -1, 3, 0, -2 इसमें सबसे छोटी संख्या -2, -1, 0 और 3 है। अवरोही क्रम हो जाएगा 3, 0, -1 और -2।